एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू अनअकैडमी नीट टॉपर्स। माय नेम इज नितेश जेमनानी, और केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक पेन पॉइंट रहता है सभी नीट एस्पिरेंट का। तो बेटा, इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करते हैं कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करने वाले हैं। और जुनून जो बैच आया है बेटा, यूट्यूब बैच है, इट इज एब्सोल्युटली फ्री, स्टार्ट होने वाला है कल से। उसमें मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करा रहा हूँ, और उसका भी मैं आपको शेड्यूल देने वाला हूँ कि कैसे हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यार, ये जो सीरीज है आप लोगों की, ये कोई 10 दिन में हम लोग यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करने वाले, इट विल टेक टाइम। तो बेटा, आप लोगों से मेरे को कमेंट चाहिए। आप बेटा कमेंट करके जाएंगे कि हाँ जी सर, रेडी हैं हम जुनून बैच के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों के साथ फोड़ने वाले, और किस तरीके से हम लोग पढ़ने वाले, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले। कंटेंट की बेटा आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सुप्रीम कंटेंट आप लोगों को मिलने वाला है। इतना कंटेंट कि अगर बेटा 60 नंबर का, 70 नंबर का, 80 नंबर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है नीट के एग्जामिनेशन में, तो आप 100% कर पाओगे। ठीक है, कंटेंट की मतलब आप लोग टेंशन ही नहीं लीजिए, लेकिन आप लोगों को रेगुलरिटी से आना पड़ेगा। बेटा एक आध क्लास देख ली, उससे कुछ भी नहीं होगा, लिटरली उससे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बच्चा रेगुलरली आएगा, इस सीरीज को फॉलो करेगा, जुनून बैच को फॉलो करेगा, आप देखेंगे बेटा नेक्स्ट 50 क्लासेस में ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे को लगभग 40 से 50 क्लासेस लगेंगे, लेकिन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर दूंगा। एक एक सवाल आप लोग कर पाओगे बेटा नीट के एग्जामिनेशन का, और उसका प्रूफ मैं आप लोगों को देते हुए चलूंगा। ठीक है, पीवाईक्यू साथ में हम लोग लेते हुए चलेंगे, तो आप लोग देखोगे कि यार प्रीवियस ईयर सवाल आप लोगों से बनते हुए जाएंगे जैसे जैसे आप लोगों के लेक्चर कंप्लीट होते हुए चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि यार प्रॉपर सीक्वेंस क्या है अगर हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मास्टर करना है। ठीक है, सबसे पहले यार हम लोग बात करें तो आप लोगों को जीओसी आना चाहिए और आइसोमेरिज्म आना चाहिए। ये दो टॉपिक ऐसे हैं आप लोगों को सबसे पहले करने हैं, और ये दो टॉपिक आप लोगों के हो गए तो आगे की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो कंपैरेटिवली इजी हो जाती है। फिर हम लोगों को प्रॉपर एनसीईआरटी सीक्वेंस ही फॉलो करना है। आप लोगों का हाइड्रोकार्बन हो गया, तो यहां तक आप लोगों की 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश हो जाती है, और हेलो एल्गेन से आप लोगों की 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर एल्कोहल फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स हो गए। ठीक है, इसमें आईयूपीएससी मैंने नहीं लिखा है, आईयूपीएससी का कभी भी हम लोग एक वन शॉट कर लेंगे, 2 घंटे के लेक्चर में मैं पूरा आईयूपीएससी आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, लेकिन जो ये सीरीज है, जुनून बैच है, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम लोग जीओसी से ही स्टार्ट करने वाले हैं। कैसे स्टार्ट करेंगे अभी हम लोग चर्चा करते हैं उसके बारे में। देखो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बेटा आप लोगों को लेक्चर देखने, लेक्चर कहाँ होंगे बेटा, इसी चैनल पर होंगे। कितने बजे होंगे, सुबह मॉर्निंग में हम लोग 10 बजे मिलने वाले। सर सुबह का टाइम क्यों रखा है, क्योंकि बेटा आप लोगों का जो प्रॉपर शेड्यूल है वो सुबह से ही, आप लोगों की जो प्रॉपर पढ़ाई है वो सुबह से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, वरना बेटा आप लोग मटर कस्ती करते रहोगे, मस्ती करते रहोगे, रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, टाइम वेस्ट कर दोगे। तो सुबह सुबह हम लोग 10 बजे ही मिलने वाले हैं, और आप लोगों को मेरे साथ जो क्लासेस अटेंड करनी है वो लाइव क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है, आप लाइव आएंगे, 1 से 1.5 घंटे की क्लास रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और मॉर्निंग में एक बढ़िया केमिस्ट्री का टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग लेक्चर देखोगे आप लोग उसके नोट्स बनाओगे, नोट्स मैं आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आप लोगों को अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। उसमें जितने भी रिएजेंट हम लोग लिखने वाले हैं उसका क्या यूज है, कोई नेम रिएक्शन आ रही है तो वो आप लोगों को नोट करनी है। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है तो वो आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, फिर आप लोगों को करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं कराने वाला हूँ, किस तरीके से वो मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ, और उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, तो ये आप लोगों का प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आइए आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करते हैं। तो एक चैप्टर के लगभग आप लोगों को 100+ क्वेश्चन करने हैं, और जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, जो आपसे गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, उसको मिस्टेक नोटबुक में लिखोगे। अब मिस्टेक नोटबुक को आपको रेगुलरली रिवाइज करते हुए चलना है। ठीक है, एक कॉपी बनानी है अलग से, जिसमें आप लोग सारी की सारी गलतियां लिखोगे, और आप देखोगे नीट के एग्जाम तक आप लोग मेजोरिटी गलतियां कर चुके होंगे, और जब पेपर देने जाएंगे नीट 2024 का, तो बेटा एकदम फ्रेश होंगे, और हम लोग फोड़ने वाले हैं हमारा नीट 2024। राइट, तो 100+ क्वेश्चन आप लोगों को एक चैप्टर से करने हैं। अब सर कहां से करूं ये क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप कोई से भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा लीजिए, या फिर आप लोग कोई से भी स्टैंडर्ड बुक उठा लो, या फिर अगर आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे तो वहां पे मैंने डीपीपीज दे रखी है, मैं भी आप लोगों को डीपीपीज प्रोवाइड कराने वाला हूं जुनून बैच में, कैसे मैं भी आपको बताता हूं। ठीक है, और आप लोगों को उस चैप्टर के पीवाईक्यू करते हुए चलने हैं। ठीक है, अब देखिए जुनून बैच में हम लोग पूरी की पूरी केमिस्ट्री करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक भी आएगी, एज वेल एज फिजिकल केमिस्ट्री भी आने वाली है। राइट, तो जब आप लोगों का पूरी की पूरी केमिस्ट्री आएगी तो हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी लगेंगी, लगभग बेटा 40 से 50 क्लासेस लगेंगी। ये बेटा रिविजन कोर्स नहीं है, नहीं सर 15 दिन में करवा दीजिए, 15 दिन में बेटा रिविजन होता है। हम लोग बेटा 40 से 50 क्लासेस लेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, डिटेल में करने वाले, लेकिन बेटा इसके बाद गारंटी देता हूं
100% आप लोग सवाल कर पाओगे, 100% आप लोग सवाल कर पाओगे। और एक बार हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगी उसके बाद हम मूव करेंगे फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, ठीक है। अब ये देखिए पूरा का पूरा मैंने शेड्यूल दे दिया है, कल से स्टार्ट हो रही हैं क्लासेस 8 जुलाई से, मॉर्निंग में 10 बजे हम लोग मिलने वाले हैं। कल हम लोग बेसिक कवर करेंगे और इंडक्टिव इफेक्ट कवर करेंगे, फिर रेजोनेंस के मैंने देखो दो पार्ट करेंगे क्योंकि रेजोनेंस बेटा बहुत बड़ा है, रेजोनेंस में मैंने एरोमेटिसिटी भी ले लिया है, ठीक है, तो वो काफी बड़ा है जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी भी देखते हैं, रेजोनेंस पहचानना देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं, बहुत अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं इस बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप लोगों को बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो दो लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस करेंगे, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो गया, एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर हो गया, रीअरेंजमेंट हो गई आप लोगों का कार्बोकैटायन का, ठीक है, तो ये आप लोगों का हो गया। उसके बाद हम लोग आप लोगों का आइसोमेरिज्म आ गया, स्ट्रक्चरल आ गया, ज्योमेट्रिकल आ गया। अब ऑप्टिकल थोड़ा सा बड़ा रहता है तो ऑप्टिकल के दो हिस्से कर दिए, तो मैंने 11 दिन का आपको शेड्यूल दे दिया है, इसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों का मेनली जीओसी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग हाइड्रोकार्बन पे मूव करेंगे। अच्छा, जो जो चीजें हम लोग पढ़ते हुए जा रहे हैं, जैसे बेटा सपोज करो हम लोगों ने रेजोनेंस पढ़ा या फिर इंडक्टिव पढ़ा, तो इसकी बेटा डीपीपीज आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, मेरे नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करिए, वहां पे आपको डीपीपीज मिल जाएंगे, ठीक है। डीपीपीज का हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे, डिस्कशन आप लोगों का स्पेशल क्लासेस पर रहेगा, ठीक है। स्पेशल क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री रहते हैं, कोई भी इसका चार्ज नहीं होता। इसमें बेटा हमारी आपको पता होगा 10,000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है ना, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कि वो सीरीज बंद कर दी के सर ने, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, थोड़ा सा ब्रेक आया था, 10,000 क्वेश्चन सीरीज वापस से रिज्यूम होने वाली है और स्पेशल क्लासेस में हम लोग डीपीपीज डिस्कस करने वाले, ठीक है। डीपीपीज आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। अब यार इतना सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है, लेकिन ये सब कब हो पाएगा, जब आप लोग मुझे प्रॉमिस करोगे कि यस सर हम कंसिस्टेंटली पढ़ेंगे, एकाध लेक्चर से वापस से कुछ भी नहीं होगा। एक बात मैं आपको बता दूं बेटा, जो सिलेक्शन होता है वो कंटेंट से होता है, आप लोगों को सुप्रीम कंटेंट पढ़ना ही पड़ेगा। नीट 2022 देख लो, नीट 2023 देख लो, दोनों साल में जो केमिस्ट्री है वो ट्रिकी पोर्शन आया है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो बेटा केमिस्ट्री में मास्टरी करनी पड़ेगी, और केमिस्ट्री में सबसे पहले हम किसकी मास्टरी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। आप लोग उसकी टेंशन नहीं लीजिए कि सर हमने तो ये वाला फलाना चैप्टर पढ़ानी है, हम लोगों ने तो केमिकल बॉन्डिंग पढ़ानी है, क्या हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी क्या, वो सारी गारंटी मेरी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूं कि एक एक बच्चे को सारी चीजें समझ में आएंगी, लेकिन बेटा क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी, इसकी गारंटी आपको करनी पड़ेगी कि हाँ जी सर मैं आऊंगा, आप मॉर्निंग में 10 बजे क्लासेस लीजिए, मैं यहाँ पे प्रेजेंट रहूंगा, लाइव आपके सामने आने वाला हूँ, आप रेगुलरली क्लास लेते जाओ, और फिर मेरी गारंटी है, मेरी गारंटी है कि आपको 110% समझ में आएगा, ठीक है। कल से स्टार्ट कर रहे हैं, 8 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं, और बेटा रुकने नहीं वाले हैं, आप लोग आइए और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। अच्छा, कामयाबी बैच में जो बच्चे एनरोल्ड हैं या फिर एनरोल होना चाहते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़नी है तो बेटा उसके लिए भी बैच आ चुका है, सिर्फ केमिस्ट्री, ये इस प्राइस में आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री मिलेगी, आप लोग मेरे से पूरी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। और प्लस आपको पता है कि प्लस में आप लोग बहुत सारे बैचेस एक्सेस कर सकते हैं, सारे बैचेस एक्सेस कर सकते हो, जिन भी टीचर से पढ़ना चाहे आप उनसे पढ़ सकते हो। आपको कोड पता है बेटा, स्पार्टन आर्मी है तो स्पार्टन कोड लगा के आप लोग इसमें एनरोल हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप आप सभी लोग एक्साइटेड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। आइए डे वन में बेटा हम लोग बेसिक और इंडक्टिव इफेक्ट करने वाले, कल मिलते हैं बेटा 10 बजे और शानदार तरीके से आगाज करते हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कंसिस्टेंट रहिएगा, फिर देखिएगा कि किस तरीके से आप लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। चलिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।